नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी। हमारा आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत 6 मुख्य अधिकार प्राप्त हैं। पहला 19(1) का के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता एवं सूचना का अधिकार भी शामिल है। दूसरा, सम्मेलन की स्वतंत्रता, निशस्त्र निरायुद्ध शांतिपूर्ण सम्मेलन किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) का के तहत भारत का नागरिक संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता रखता है। अनुच्छेद 19(1) घ के तहत और इसी के तहत राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है एवं श्रमिक संघों की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 19(1) घ कहता है कि भारत नागरिक किसी भी भाग में भ्रमण कर सकता है, और इसी तरह से अनुच्छेद 19(1) निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत वृत्ति, जीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन ये तमाम स्वतंत्रताएं जो प्राप्त हैं ये असीमित नहीं हैं, इन पे युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। देश की एकता, अखंडता एवं लोक व्यवस्था के तहत इन अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान में 19 के तहत 7 अधिकार प्राप्त थे, किंतु संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने से, जो कि अनुच्छेद 19(1)(4) में था, अब 6 मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त हैं। और अनुच्छेद 19(2) में अनुच्छेद 19(1) के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। देश की एकता, अखंडता, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, न्यायिक अवमानना आदि आधारों पर इन अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो आप अनुच्छेद 19(1) का अध्ययन करें एवं इसमें कोई दिक्कत हो तो हम बात करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हमारा आज का टॉपिक है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। हम इस मूल अधिकार को जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, और इसमें अनुच्छेद 20 बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है, चाहे वो नागरिक हो या नागरिक न हो। इस अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने किसी प्रवर्तित या लागू किए हुए कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। तो इस अनुच्छेद के तहत जो संरक्षण प्राप्त है, पहला संरक्षण है कि प्रवर्तनीय विधि का उल्लंघन होने पर ही दोषी है, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी निर्णित नहीं कर सकते जब तक उसने किसी ऐसी विधि का उल्लंघन न किया हो जो उस समय प्रभावी हो। इसी तरह से विधि द्वारा नियत दंड से अधिक दंड नहीं दे सकते, किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता जो उस अपराध के लिए विधि द्वारा निहित है। दोहरा दंड निषेध, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। आत्म अभिशंसा निषेध, किसी अपराध के लिए आरोपी को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य पेशित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 20 के तहत ये अधिकार प्राप्त है, ये नागरिकों को ही नहीं गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। और अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने किसी प्रवर्तित कानून का उल्लंघन ना किया हो। तो ये आप अधिकार पढ़ें, और इसमें कोई दिक्कत हो तो उस पर बात करते हैं। धन्यवाद।